दोस्तों देखिए, आज जो हमारे पास कबूतर है वो लोग को मैं आज गेहूँ खाने के लिए दिया हूँ। और देखिए, ये लोग बहुत ही अच्छे से गेहूँ खा रहे हैं। और जैसे कि आप लोग को पता होगा कि अभी बरसात के मौसम चल रहा है, तो इसमें ये लोग को ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है और खाना भी थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। और बाकी मौसम ये लोग इधर उधर से भी थोड़ा बहुत चर के आ जाते हैं, लेकिन अभी बरसात के मौसम में ये लोग को कुछ भी वैसा नहीं मिलता, इसलिए ये लोग को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और अभी ये लोग का कुछ बीमारी भी आता है बरसात के समय में, तो ये लोग को ध्यान दे। दोस्त, आप लोग के पास भी अगर कबूतर हो तो वो लोग पर आप लोग ध्यान दीजिए और वो लोग को खाना अच्छा दीजिए। देखिए, और ये कबूतर जो है बच्चा से बड़ा होकर के अंडा देने में ये लोग 3 महीना टाइम लग जाता है। 3 महीना बाद ये लोग बच्चा से ब्रीडर हो जाते हैं अंडा देने के काबिल, और फिर अंडा देना ये लोग चालू कर देते हैं। और अंडा एक मर्तबा दे दिए तो फिर 18 दिन बाद बच्चा अंडे से निकाल देते हैं और फिर तुरंत ही अंडा दे देते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, जितना टाइम लगता है वो बच्चा से बड़ा होने में ही टाइम लगता है। और ये लोग हमारे घर हैं, देखिए वाइट में हैं, बहुत ही अच्छा दिख रहे हैं। और ये लोग बहुत ही हमसे परके हुए हैं, जब ये लोग को मैं बुलाऊंगा तो ये तुरंत ही आ जाते हैं और बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, आप लोग शौक करिए। दोस्तों, हम गढ़वा झारखंड से हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो। और मैं फैंसी कबूतर पर भी वीडियो मैं बनाया हूँ, उस वीडियो को भी देखिए दोस्तों। और देखिए, ये लोग बहुत अच्छे हैं, इसमें ब्लैक भी है और वाइट भी है, सब कलर का इसमें है। और ये लोग को मैं खाना में गेहूँ, अभी तो गेहूँ ही ज़्यादा देता हूँ, और बाकी टाइम में दूसरा भी दाना देता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं गेहूँ में देता हूँ ये लोग को।